and attempt to be a better artist. And this is what I think life is also. हम लोगों को खुद को बेहतर करना है, कल से बेहतर करना है, बस एक एक पहल करना. So today's topic will be hashtag Shreyas Chandilya Live. Actually, I have shared this thing previously before few days, but today I'll be actually explaining you exactly what is hashtag Shreyas Chandilya Live. Matlab, why I do sing and why I post videos, why more than 250 songs I have posted yet, and why I'll be posting more than 1000 songs, or till I'll die, I'll be keep on posting songs. Anyways, welcome back to my YouTube channel, guys. I hope you are doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. आज का तारीख है 13 अगस्त 2019, मंगलवार है, 4:48 PM हो रहा है, and the temperature is 29 degrees Celsius. It's mostly cloudy. So Shreyas Chandilya Live, hashtag Shreyas Chandilya Live. मैं अपने बारे में कुछ आपको दिल से बताना चाहता हूँ, वो ये बात है कि मैं एक लर्नर हूँ. I am an artist because I know few basics of music, but after you know basics, उसके बाद the knowledge and the performance skill is like it has no end. You know, like I know, मैं थोड़ा बहुत संगीत सीखा हूँ जो कि basics है, और वही basics मैं लोगों को सिखाता हूँ, that is my Soulful Music Academy. मुझे सुर लगाने का थोड़ा सेंस है, मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ, लेकिन मैं खुद को और बेहतर बनाना चाहता हूँ. इट्स नॉट लाइक यू नो आई एम समथिंग लाइक यू नो आई कांट से माई सेल्फ कि आई एम सो प्रो और समथिंग. सो हैशटैग Shreyas Chandilya Live इज ऑल अबाउट आई टेकिंग एन एफर्ट टू बी अ बेटर आर्टिस्ट, टू सिंग बेटर. आई नो कि यू नो, एंड आई हैव सेड इट प्रीवियसली ऑल्सो कि देर आर टू कैटेगरीज ऑफ सिंगर. वन आर द सिंगर्स दोज हू सिंग लाइव, ओके, लाइव सिंगर्स जो कि लाइव काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गाते हैं. दूसरे होते हैं प्लेबैक सिंगर. सो करेंटली वॉट माई प्रेजेंट सिंगिंग स्टाइल इज, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, बट लाइव वेन इट कम्स टू यू नो सिंगिंग एनीथिंग लाइव एंड परफॉर्मिंग लाइव, मुझे खुद पर बहुत मेहनत करना है. एंड अभी 250 गाना हुआ है, आई हैव पोस्टेड, आई हैव टू कैन अटेम्प्ट टू सिंग 250 सॉन्ग्स, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे खुद को बहुत बेहतर करना है. और आई एम डैम श्योर कि जब 1000 गाना से ज़्यादा मैं पोस्ट कर दूंगा, और जब मैं 1000 से ज़्यादा अटेम्प्ट लूँगा, तो आई एम डैम श्योर कि धीरे धीरे ग्रो होगा. एंड इस ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं है गाइज. जैसे देखो, एक बेसिक सर्वाइवल होता है, आप ज़िंदगी में दाल चावल खा लो. देखो, दाल चावल से बात शुरू हुई तो पानी भी आ गई. जी हाँ, आप अपने ज़िंदगी में अगर दाल चावल खा रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके लिए खाने के लिए एक बेसिक पैसे आ रहे हैं, रोटी सब्जी वगैरह वगैरह, आप बेसिक कपड़ा पहन रहे हैं, एक छत है आपके पास, मतलब जो है वो आपका ज़िंदगी जो है एक बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है. बट उसके बाद लग्जरी का देयर इज़ नो एंड. सो इन दैट सेम वे यू कैन लर्न अ बेसिक ऑफ म्यूज़िक, यू कैन लर्न अ बेसिक थियोरी ऑफ म्यूज़िक, यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ पिच, सुर लगाना. जैसे मैं गाना कंपोज करता हूँ, ये तो खैर टोटल कुदरती देन ही है कि कंपोज करना या लिख लेना. आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि मैं कुछ धुन बना पाता हूँ. लेकिन इसके बाद वंस यू लर्न द बेसिक्स, उसके बाद देर इज़ नो एंड टू यू नो इम्प्रूविंग इट. सो हैशटैग Shreyas Chandilya इज ऑल अबाउट improving my singing skill. So I never shared it before, but I wanted ki you know ki main aapko ye cheez bataun. By the way, aaj ka jo combination hai ye guided by Chun Chun Bhutia Thapa. So yes guys, I wanted to share with you this. Abhi samne wale, hamare jo samne wali khidki hai na, mere samne wali khidki mein ek chand ka tukda. अभी चांद का टुकड़ा नहीं है, बिल्ली मौसी है. एक्चुअली बिल्ली मौसी ही रहती है. चलो मैं जूम करके दिखाता हूँ. ये देखो, ये मेरा मेरे सामने वाली खिड़की में हो रही बिल्ली मौसी. क्या बात है, बहुत सही. सो चला जाए, 5 बजे सीमा जी आने वाली है, 6:30 बजे से काफ़ी लोग आने वाले हैं. जितने भी लोग आने वाले हैं, आप उनको व्लॉग में देखिए. वी क्लास कंप्लीट करके मिलते हैं. कुछ मूवीज़ है, एक हॉरर मूवी है, रजनीश डुग्गल की, और एक एनिमेटेड मूवी भी आई है. इट्स रिलेटेड टू म्यूज़िक, वायलिन से है कुछ. विल सी, अगर उसका प्लान बना तो विल गो फॉर मूवी, और एल्स आई विल कम बैक होम. और जो कुछ भी होगा वो बने रहिए साथ में. सो यो एंड आई होप आपको हैशटैग Shreyas Chandilya Live का कॉन्सेप्ट पता चला. इट्स एवरी डे टेकिंग एन एफर्ट
एंड एन अटेम्प्ट टू बी अ बेटर 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 आर्टिस्ट एंड दिस इज़ वॉट आई थिंक लाइफ इज़ ऑल्सो. हम लोगों को खुद को बेहतर करना है, कल से बेहतर करना है, बस एक एक पहल करना. और अगर हम बेहतर नहीं भी हो सकते हैं आज, तो एटलीस्ट हमें अटैम्प्ट लेना है. सो दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट गाइज. सो चला जाए. सो यस गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, 14 अगस्त 2019 बुधवार, 1:24 PM हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस. इट्स आवर्स. तो बेसिकली कल मैं रात में 3 बजे तक जो है, नियरली 3 बजे तक, सलमान अली इज़ इंडियन आइडल 10, मैं उनका सिंगिंग देख रहा था. एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो मतलब टच्ड एंड इम्प्रेस बाय हिज सिंगिंग. आई एक्चुअली इवन वॉज क्राइंग आफ्टर हिज फ्यू ऑफ द परफॉर्मेंस. His singing, I would like to say, that is actually literally inhuman. Inhuman मतलब कि that is not possible by normal human being, because जो वो गा रहे हैं, and he is just 21, and he is singing since the age of 8. Trust me, truly, I'm like, अभी वो जावेद अली जी के साथ गाए, विशाल डडलानी के साथ गाए, मतलब इनफैक्ट उन लोगों का भी सिंगिंग ना बहुत ही फीका लग रहा है इनके सामने. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉज एक्चुअली सेइंग, कि देखो एक बेसिक गाना गाना, जैसे एक हो गया कि आप अगर एक साधारण सा भी गाना गा लेते हैं तो आपको एक सिंगर का उपाधि दिया जाता है. साधारण सा गाना तो मतलब कि अगर आप सुर में गा लेते हैं तो आप सिंगर कहलाते हैं. जैसे अगर मैं साधारण गाने का एग्जाम्पल लूँ तो एक तुम पास आए गाना है, उदित नारायण जी थोड़ा सिंपल गाना गाते हैं, कुमार सानू जी वे थोड़ा सिंपल गाना गाते हैं. इनफैक्ट किशोर दा का मैं सिंपल तो नहीं बोलूँगा, बट या एक बेसिक मेलोडी टाइप के गाने को गाना इज़ वन कैटेगरी. देन कम्स यू नो थोड़ा उससे ज़्यादा हाई कैटेगरी, जैसे राहत फ़तेह अली खान हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए. अभी इन लोग का जो है, दैट इज़ एक्चुअली यू नो गॉड गिफ्ट, क्योंकि something what they does, it's not actually possible by normal human being. And that is what I am saying, ki hashtag Shreya Shandilya live is all about, you know, just improving my singing skill. And I know there is no you know, perfection has no limit. Main thoda bahut sur laga leta hu, and I'm so much thankful to almighty. But yeah, I have to keep on developing things, because you know ab to kuch matlab, literally this Salman Ali, what he is singing is unbelievable, and I was so matlab blown away. So yes guys, yahi mujhe aapko hashtag Shreya Shandilya ke bare mein bas batana tha, ki what is it all about. It's journey towards perfect pitch, it's journey towards perfection. Main ek artist hu jo ek you know ek
आई कैन से कि यस आई नो द बेसिक्स एंड मैं एक सिंपल साधारण सा गाना बना लेता हूँ, वो भी ईश्वर के कृपा से। बट इस चीज़ में अंत कुछ भी नहीं है और मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए ही ये पहल किया हूँ #ShreyasShandilyaLive एंड आई विल बी डूइंग इट टिल आई डाई। सो यो आई रिमेंबर एक बार यू नो कुछ एक कोई एक शो था जिसमें कि शंकर महादेवन जी थे, शान थे, हिमेश रेशमिया जी थे, सबका अलग अलग घराना था और उसमें कुछ शंकर महादेवन जी ने गाया तो शान जी ने ये बात बोला था कि मतलब मैं तो बस एक सिंपल साधारण सा गाना गाता हूँ, शंकर महादेवन जी के सामने मतलब हमारा कोई भी कहीं पर भी कोई भी स्टैंड नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि देर आर कैटेगरीज ऑफ सिंगर, मतलब शंकर महादेवन जी हुए या और भी हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कव्वाल घराने के सिंगर हैं, मास्टर सलीम जी हुए, दे आर क्वाइट मोर देन द बाउंड्री, बट एवरी वन कम्स इन द सेम कैटेगरी, यू नो सेम नॉट द सेम कैटेगरी बट एक नाम जो है सेम दिया गया, दैट इज़ सिंगर या आर्टिस्ट, बट इसमें इसका लेवल को खुद को अपग्रेड करने का कोई अंत नहीं हो सकता। दैट सेम वे एज वी आर ऑल यू नो ह्यूमन बींग्स, बट ह्यूमन बींग्स में भी काफ़ी तरह का यू नो या जॉब होता है, उसमें भी पोस्ट होता है, जॉब तो कोई भी जॉब हो उसको जॉब ही कहते हैं हम, या वर्किंग प्रोफेशन ही कहते हैं, बट उसमें भी यू नो कैटेगरीज है और उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो यस आई एम सिंपली यू नो ट्राइंग टू अपग्रेड माई सेल्फ, आई एम टेकिंग एन अटेम्प्ट टू अपग्रेड माई सेल्फ। तो यस गाइज दैट वॉज ऑल फॉर दिस व्लॉग, तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि जो कुछ भी आपको आपके जिंदगी में चाहिए कि आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, यस या नो, अगर नहीं कर रहे हैं तो वर्क हार्ड लाइक हेल, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप अरे सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुँचने के लिए सच में डिजर्विंग है, जैसे नो, अगर नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक हेल एंड टर्न इनटू दैट डिजर्विंग पर्सन, ट्रस्ट मी द डे यू विल बी टर्निंग अ डिजर्विंग पर्सन गॉड विल ट्रूली गिव यू व्हाटएवर यू विल बी डिजर्विंग, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम, क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो सच में डिजर्व करते हैं। तो बस खुद को डिजर्विंग बनाइए, मेहनत कीजिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, बुरे लोग बुरे सोच से दूर रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इन हैशटैग शेयर शैंडिल्य लाइफ। टाटा।